ਸਟਮ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

अच्छा बसमी आज हमारा मेरा जो टॉपिक है अभी फर्स्ट सेशन में मैं आपको लेबर मार्केट के हवाले से बताऊंगा उससे पहले मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करूं मेरा नाम मोहम्मद जमील है मैं एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के साथ एज ए ट्रेनर काम करता हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो मरदान से है अच्छा तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेबर मार्केट है लेबर मार्केट क्या चीज़ होती है और किस तरह इसको यूटिलाइज किया जाता है ठीक है इसके बारे में हम डिटेल से आज एक सेशन लेंगे तो सबसे पहले लेबर मार्केट क्या चीज़ होती है तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो आ, और जहाँ पे लेबर्स अवेलेबल हो इसी प्लेस को उसी जगह को लेबर मार्केट कहते हैं ठीक है like, लाइक इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जो जो मोस्टली जो है गवर्नमेंट ऑन हो, होते हैं वो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट वो अनाउंस करते हैं या मुल्क को जितनी ज़रूरत होती है वो सब वहाँ पे पोस्ट करते हैं और साथ ही साथ वो जितने उस वहाँ उस जगह पे उस मुल्क में जितने जितना वर्किंग फोर्स होता है तो उनको भी इनक्रेज करती है कि उधर पे अपने प्रोफाइल बनाए अपने डिटेल दे ताकि जो जो भी जॉब हॉन्डर है उनके लिए भी आ, इजी हो और जो भी कंपनी सीकर है फॉर जॉब उनके लिए भी ये चीज इजी हो दोनों इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ठीक है थीके? लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है जहां पे जी, आ, एक ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लेबर से रिलेटेड यानी सप्लाई कितनी है डिमांड्स कितनी है अर्निंग एम्प्लाईज अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक जॉब जॉब डॉब आउटलुक या इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इस यहाँ पे अवेलेबल होती है तो जो बिल नोन प्लेटफॉर्म है लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन के हवाले से वो यहाँ पे हम दो लेके आए हैं एज एन एग्जांपल द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक एंड नेट ऑनलाइन तो ये दोनों तो जो इस दो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे तो डेटा ये फ, पहला वाला जो है इस पे यूएसए का तो आए हम थोड़ा उसको देख भी सकते हैं और उसको और थोड़ा हम एक्सप्लेन भी करेंगे तो मैं ये वाला जो यूआर है यहाँ से कॉपी कर देता हूँ अच्छा ये हमारे साथ ओपन हो गया आप इसको जरा देख ले यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक ये देख ले इसका होम पेज है इसमें जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये देखिए नाइनटीन दिसंबर की इन्फॉर्मेसन ये हमें प्रोवाइड करती है और इसकी डिटेल यहाँ पे आप टी डी एफ या चार्ट की शक्ल में एक्सड्री एम एल की फॉर्म में दे देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर और इस ईयर का कंपैरिजन भी बताती है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह की जिस तरह के यहाँ पे फैटल जो वर्क इंजीज इंजरीज है 2021 और 2022 की कंपैरिजन की गई है ठीक है तो वो भी हम देख सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा ये दूसरा भी दिया गया है इसमें भी सेम इसी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं आ, ये उस वक्त ज़रूरी होता है जब आप अपने कैरियर में नेक्स्ट मूव की तलाश में होते हैं कि अगला मैंने अगला स्टेप किस तरह लेना है मैंने क्या करना है तो उसी स्टेज पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपकी आपके लिए हो सकती है और इससे पहले जो आप प्रीविय। प्रीवियसली अगर आप जाए आ, यानी चंद साल पहले अगर आप देख ले तो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता था इवन जब हमने कैरियर स्टार स्टार्ट लिया तो हम तो हम भी तो इन चीज़ों से ना नावाकब थे और डायरेक्ट किसी न किसी हमने यानी विदाउट रिसर्च हमने कैरियर जो है वो आ, ये चूज़ किया और फिर उसमें में आगे बढ़ते गए तो मोस्टली इसमें मसला ये होता है कि आपको हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा यानी सामने आएंगे और फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर खसूस आज की दुनिया में जो कि बहुत फास्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ का ख्याल रखना होता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स या जो यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं इस लेक्चर में तो उसको हम ज़रूर कंसिडर करें करें ठीक है कैरियर डेवलपमेंट के लिए आप यानी आपको जो भी कैरियर आप चूज़ करते हैं उसके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन गेदर करनी होती है कि कितने इस ऑकोपेशन से कितने लोग वाबस्त है इसकी स्कोप कितनी है इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और ये किन किन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है कौन से मुल्क में इसकी स्कोप है जिस तरह के ये थर्ड नंबर पॉइंट जो दिया गया है व्हाट एरिया ऑफ द वर्ल्ड और कंट्री हैव द मोस्ट डिमांड फॉर द पर्टिकुलर एक्यूपेशन ये थोड़ा मैं मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था तो इस चीज़ को अगर आप देख ले तो एक बंदा मेरा कज़न है न्यूजीलैंड में तो उससे बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि न्यूजीलैंड में ये जो प्रोफेशनल यानी जो स्किल्स होती है जिस तरह की इलेक्ट्रीशन की हो गई इवन प्लम एटसेट्रा ये इसकी जो हार्ली या आर्ली पेमेंट है वो ज़्यादा है बनस्बत जो आम एक लेबर होता है यानी जो स्किलफुल इलेक्ट्रिशियन होता है बार बर, इवन वो, वो ही वाज टॉकिंग अबाउट बार बर, कि उसकी भी बारबर हो गया इलेक्ट्रीशन हो गया प्लम्बर हो गया उसकी डेली जो सॉरी आरली जो पेमेंट है वो थर्टी फाइव डॉलर है और जो आम लेबर है जिसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसकी ट्वेंटी डॉलर है मतलब अगर आप उसकी उसके लिए एक आम ये होता है कि अगर आप उसको अपनी सर्विसेज न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करोगे और आपके पास स्पेसिफ़िक स्किल नहीं है तो फिर वो यानी जेनेरिक से लेबर है आप तो फिर वो कहीं पे आपको सिक्योरिटी में कड़ा कर देंगे या इसी तरह की कुछ काम आपको सौंपेंगे जिसमें स्किल रिक्वायर्ड नहीं होंगे तो फिर वो आपको ट्वेंटी डॉलर पर आर देंगे लेकिन आप अगर आप एक स्किल स्किलफुल वर्कर की हैसियत से ज्वाइन करोगे तो वो फिर आपको थर्टी फाइव डॉलर देंगे पर आवर जो कि आलमोस्ट डबल है ठीक है इसी तरह आप दूसरे ममालिक को भी अगर आप कंसिडर करें अपना ही मुल्क देख ले इसमें जो स्किलफुल वर्कर है उनका जो डिमांड है वो ज़्यादा है और वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड भी नहीं होते ठीक है अच्छा आ, यहाँ पे अगर आप एक या जो फील्ड के हवाले से देख ले तो स्पेशली इस साल मैंने एक ट्रेंड देखा कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर डिग्री है इसमें एडमिशन का जो रेसो था बहुत ज़्यादा था और इसका मेरिट भी बहुत ऊपर चला गया और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रह गए जो कि कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह इसमें एडमिशन लेना चाहते थे बट ड्यू टू अनबिलिटी और यू कैन से के लोगों की रुझान की वजह से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एडमिशन भी नहीं प्रोवाइड होगा हुआ मैं ख़ुद अब्दुल खान जो मर्दान की यूनिवर्सिटी है उसकी सिचुएशन से वाकिफ हूँ उधर उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कंप्यूटर साइंस एक ही फिर एक ही वो क्लास में एडमिशन दे देते थे इस साल उन्होंने पाँच छः रख दिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी तरह के बहुत ज़्यादा छः से भी ज़्यादा रख दिए ए आई इन मैथमेटिक्स इस तरह के नाम उन्होंने रख दिए और नए नए डिग्रीज और जो है वो स्टार्ट करवाए लेकिन फिर भी वो जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा रहे और एरियाज जो थे वो हो कम रहे तो ठीक ठीक है ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी होती है कि ये क्यों हो रहा है Uh, इसको अगर आप देख रहे स्पेशली जो अभी ये ट्रेंड आया ये ये, ये आ, आ, जो, जो चैट टी की जो अभी, वो, वो उसने जो, आ, फेम अभी उसने चैट टी तो उसके बाद जो है आ, ने ने ये वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया और लोग इस तरफ बहुत ज्यादा मायल हो गए और उन्होंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो अब कंप्यूटर साइंस को जो है अडोप्ट करना चाहते हैं ठीक है तो एक तरफ से अच्छा, तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है ना हेलो जी Uh, मेरे एक क्वेश्चन है ना सर यहाँ पे चूंकि सारे आईटी वाले लोग हैं ना और एक हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ हम अपनी आवाज आवाज को राइज कर सकें वो पॉइंट्स आपस में डिस्कस कर सकें तो ये जो हमें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन मींस ये इस लेवल पे क्या हमारे लिए क्या इसमें बेनिफिट है या ये हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम स्टूडेंट की रहनुमाई करें क्योंकि हम तो अब कैरियर के uh, माशाल्लाह इस पीक पे आ चुके हैं कि इससे बस आगे जाना है मतलब एक अच्छा कैरियर uh, हमारे हाथ में है ना अब हमें ये जो ट्रेनिंग मिल रही है ये लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन की क्या ये हमारे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे मतलब हम आ, आप पॉइंट पिक कर रहे हैं ना मेरे, मेरी बात को आप पिक कर रहे होंगे ना आ, जी आप कल या परसों आई थी जी अच्छा कल या परसों सेशन में आप थी

एक तो एम सी एस लेवल पे हमें बहुत ज्यादा थ्योरी करवाई जाती है मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए हमारे टीचर्स को या यूनिवर्सिटी लेवल पे कि अब दुनिया बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है जो कोर्स ये पढ़ा रहे हैं वो थ्योरी से रिलेटेड है हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो चीजें जो हमें यूनिवर्सिटी में सिखानी चाहिए थी इनको वो अब हम सीख रहे हैं तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है इसके अलावा हमारे लिए ट्रेनिंग बहुत कम रखी जाती है अब ये फर्स्ट ट्रेनिंग है अपनी जॉब कैरियर में जो अभी मैं ऑनलाइन ले रही हूँ आप लोगों से इसके अलावा हमारी पॉलिशिंग पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती ना कोर्स अपडेशन के हवाले से तो इन चीजों पे कल भी आई थी वी विल ट्राई वी विल ट्राई कि हम आपकी आवाज जो है अभी मेरे ख्याल में कोई होगा भी इस सेशन में वो ये बातें सुन रहा होगा जो डायरेक्टली स्पेशल से सॉरी रिपोर्ट करेगा डेली बेसिस पे उनको रिपोर्ट करते हैं तो आपकी ये क्यूरी जरूर फॉरवर्ड करेंगे लेकिन इस तरह है कि अभी अगर बहुत कम भी हो रहा है तो अभी तो हो रहा है ना एक तो हो रहा है तो हम इसको दिल से थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इसका क्या मतलब है कि लेबर मार्केट मुझे पढ़ाई जा रही है मैं तो कैरियर के इस लेवल पे हूँ कि मैं तो अभी मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसका जवाब यह है ये आपको समझाने के लिए नहीं आपको समझाने के लिए तो पढ़ाई जा रही है लेकिन आपने आगे जाके स्टूडेंट का करियर तो बनाना है आप स्टूडेंट को आपको पता होना चाहिए कि जो करंट ट्रेंड है करंट मार्केट वैल्यूज क्या है ठीक है तो वो सारी चीजें हम उसमें एड्रेस करेंगे आपसे बंदा पूछेगा कि मैंने पाकिस्तान में जॉब ही नहीं करनी या इंटरनेशनल कुछ इस तरह के मार्केट्स मुझे आप दिखा रहे हैं डिफरेंट इस तरह के आप अगर एंड थोड़ा अपना क्वेश्चन अगर एंड में लेके जाएंगे तो के आपके जो ज्यादा क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे ठीक है तो अच्छा मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ तो ये तो लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो गए थोड़ा इन्फो हो गया आप खुद भी इनको थ्रू कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर कहीं पे आपको मुश्किल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ये सारी क्वेश्चन जो है के नोइंग मार्केट वैल्यू वर्थ क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ठीक है ये सारी चीजें आपने इनको देखना होता है ठीक है अच्छा थोड़ा वट फैक्टर डिटरमाइन योर मार्केट वैल्यू तो एजुकेशन लेवल होती है इसमें ज्यादा फैक्टर करती है कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है जिस तरह के हम कहते हैं कि एक बारवी का या जो एफ का स्टूडेंट होता है वो रिसर्च नहीं कर सकता ठीक है इसी तरह जो मिड लेवल मिड एजुकेशन लेवल के बंदे होते हैं हम जिस तरह के ग्रेजुएट होते हैं अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट सॉरी अंडर ग्रेजुएट फोटीन एंड सिक्सटीन ईयर एजुकेशन वाले तो वो भी इतने ज़्यादा फ्लुंट नहीं होते रिसर्च साइट पे तो वो जो है जो ये चीज़ें हैं जो इस ट्रेनिंग में स्पेशली सिखाई जा रही है जिस तरह की वेब डेवलपमेंट हो गई डिज़ाइनिंग वगैरह होगी तो ये इन चीज़ों को अडाप्ट कर सकते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यानी उनके लिए रिलेट रिलेटेबल है अगर किसी की एजुकेशन लेवल इससे हाई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च कर सकता है और इस तरह के फील्ड्स है जिसमें वो अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा आपका एक्युपेशन भी जो है वो इन चीज़ों पे मैटर करता है ऑक्युपेशन अगर आप सपोज आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हो लेकिन आपका जो एक्योपेशन है वो एकेडेमिया से रिलेटेड है तो आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेंड है उसका ज़्यादा इलम नहीं होता जो कि आउटसाइड यानी इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है तो उसका आपको ज़्यादा इलम नहीं होता तो एकुपेशन भी इस चीज़ पे यानी करियर जो है उस पर असरअंदाज होती है ठीक है दूसरी जानब जो इंडस्ट्री के बंदे होते हैं ना उसको ये पता नहीं होता कि एकडेमिया में क्या चल रहा है तो हमने इन सब को यानी साथ लेके चलना है और इन चीज़ों को हमने जो है यानी कंसिडर करना है जिस तरह के आपने क्वेश्चन भी किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि हमें ग्रेजुएट लेवल पे जो है थीरी ही पर पढ़ाई जाती है और ये है एग्जैक्टली exactly ये पाकिस्तान में जो है मोस्टली ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये मसला चल रहा है इसकी मेन रीज़न यही है कि इन्होंने इस इन चीज़ों को एडॉप्ट नहीं किया हुआ अगर ये दोनों को लेके चलेंगे इंडस्ट्री और एक्डीमिया को साथ लेकर और इस वो अपना करिकुलम इस तरह बनाएंगे कि उनका जो इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है और दूसरा एकेडेमिया को उस जानब लेके जाएंगे तो फिर ये वाला गैप जो आप कह रही थी ये कम हो सकता है ठीक है नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ एजुकेशन क्रेडेंशियल रेलिवेंट एक्सपीरियंस रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है ये तो करियर करियर लेवल को डिफाइन करती है अगर आप न्यूली जिस तरह के ये इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है न्यूली ग्रेजुएट को आ, एक एक्वली ग्रेजुएट को आप लेके किसी ए, ए, किसी चीज़ के लिए एडवाइज़र नहीं मंतख कर सकते उसके लिए डायरेक्टर पोस्ट इस तरह के जो आ, प्लानिंग और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं मोस्टली उनको प्रोवाइड नहीं कर की जाती बल्कि उनको जो बेसिक या जो इंट्री लेवल होती है वो प्रोवाइड कर जाती है तो एक्सपीरियंस रिलीवेंसी जो है वो वो करती करती है 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 आपका career level के किस तरह, किस तरह पे आप है। Next जो है, technical skills, exactly, या skills जो या ये दोनों इसमें थोड़ा सा फर्क है स्किल में जिस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई या इसी तरह की जो स्किल्स हो गई दूसरी जानब जो टेक्निकल uh, स्किल्स में अगर आप uh, टेक्निकल बांधे हो लेट सपोज आप किसी वेब डेवलपर हो या आप जो है एआई डेवलपर हो या इस तरह के कुछ दूसरे भी हो सकते हैं दूसरे फील्ड्स में स्टार्टिंग तो भेज रहे ठीक है ठीक है देखिये काइंडली म्यूट योर माइक ये बाज बंदों का माइक बार बार जो है अनम्यूट हो रहा है अच्छा दूसरा तो स्किल्स की बात हो रही थी तो स्किल जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं बाद स्किल जो होते हैं जिस तरह की कम्युनिकेशन स्किल हो गई या आप प्रेजेंटेशंस की हो गई ध्यान करें साथी सर स्किल्स में तो आती तो 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 है ये अच्छी चीज है दादा आमिर है या क्या आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है काइंडली आप इसका थोड़ा ख्याल रखें नाइला चाहिए, आपने जो है देखनी होती है यहाँ पे जो है इसकी बेस पे आपका कि, किसी का भी कैरियर या मार्केट वेल्यू जो है वो डिफाइन होती है ठीक है अच्छा ये अभी एक क्वेश्चन सा पूछा गया है कि अगर आप इन चीजों से वाकिफ नहीं है तो फिर तो क्या व्हाट्स दिन आप थोड़ा आज के जमाने में देख ली अगर एक बंदा जो है without research, एक एक को कर देता है suppose एक बंदे की skills जो है जो हमें अपने बच्चों पे भी अप्लाई करने चाहिए अगर मेरा बच्चा फील्ड है जिस तरह की वो टेक्निकल साइड पे ज्यादा अच्छा है और मैं उसको लेके जाता हूँ बेसिक जो या आर्ट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये उसको मैं इसकी उसकी करियर को मैं रोक करूंगा दूसरी तरफ अगर एक बंदा जो है वो थोड़ा लॉजिकली वीक है और मेमोराइज कर सकता है और उसको मैं टेक्निकल साइड पे लेके जाऊंगा तो उसके लिए भी मसले होंगे तो बेटर के हम उसकी कैपेबिलिटीज को देखें ये हम बच्चों बच्चों का भी कह रहा हूँ स्टूडेंट का भी कह रहा हूँ तो उनकी कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप चीज़ों को आमिर नईलामिर काइंडली आपको आवाज आप भी नहीं सुन रही और आपका बार बार भी म्यूट हो रहा अनम्यूट हो रहा है मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ दोबारा से जब आप ज्वाइन करो तो काइंडली इस चीज का ख्याल रख अच्छा आ, तो इसमें इस बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन है अगर हम उनको अभी हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे उनको सामने नहीं रखेंगे और अपना या किसी का कैरियर डिफाइन करेंगे तो ऑन उसको बहुत ज्यादा मसाइल होंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियसली इसका जिक्र भी किया तो काइंडली ये चीजें बहुत ज़रूरी है स्पेशली आज के ज़माने में ठीक है तो इनको कंसिडर कर लिया करें अच्छा यहाँ पे एक चंद एक लेबर मार्केट्स का जिक्र है कि हाउ टू सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब इन लेबर मार्केट प्लेस कंट्रीज कुछ वेबसाइट यहाँ पे दिए गए हैं उसका हमने उनको लेके वहाँ पे हमने हम अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं जिसमें जो है बेट डॉट कॉम है द मिडल ईस्ट जॉब साइट ये मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा जो जॉब होती है इस पर अवेलेबल होती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं मिडल ईस्ट के जॉब्स के लिए तो इस पे हम किस तरह इसको हम देखेंगे क्योंकि अच्छा मैं आपको थोड़ा यहाँ पे स्लाइड्स में दिखाऊंगा तो फिर आपने अभी आपका असाइनमेंट है अभी पांच मिनट में आपने इस पे अकाउंट बना ना है और मेरे साथ शेयर करना है ठीक है यह ग्रुप चैट में लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पे किस तरह बनता है अकाउंट तो ये देखे ये इसका बेट डॉट कॉम अगर आप यू आर एल ओपन करोगे तो ये जो होम वेबसाइट होम पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा तो इसमें आप कहाँ पे जॉब पॉइंट्स करना चाहते हैं तो वो डिटरमाइन कर देंगे यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है आप मोस्टली इस पर ज्यादा जो जॉब्स है वो मिडिल ईस्ट के हैं तो जो लोग इंटरेस्टेड है मिडिल ईस्ट में जॉब तलाश करने के लिए तो वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यानी अच्छा वेबसाइट है इसके अलावा दूसरे भी है 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 वो भी गल्फ कंट्री से जो है वहाँ पे आप सर्चिंग के लिए बहुत अच्छा है ठीक है तो जब आप इसका ओपन करेंगे मेन पेज और फिर यहाँ पे पाकिस्तान मैंने इसमें जॉब मार्केट प्लेस दे दिया फिर फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे और फिर आते हैं तो लॉग इन की तरफ कि किस तरह हम इस पर लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट और रजिस्ट्रेशन के लिए ये हमसे सिंपली ये देखे बहुत सिंपल सारे सिंपल से इनपुट है ये रिक्वायर्ड होंगे ये हम इनपुट करेंगे पेरा ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या आप एक्सपीरियंस वर्कर हो या रिसेंटली ग्रेजुएट हो तो जो भी हमारा केरियर लेवल है हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा अपने जो प्रोफेशनलिटी है उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देंगे जिस तरह के हम टीचर्स है तो हम टीचर्स से जो हमारा प्रोफेशन है टीचिंग उससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल्स देंगे कि किस तरह हम कहाँ पे काम करते हैं किस तरह काम करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करेंगे एंड में सी वी पुट करेंगे एजुकेशन यहाँ पे हम इनपुट करेंगे और हमारा जो यहाँ पे साइट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और डायरेक्टली बेस्ड ऑन और इंफॉर्मेशन ये हमें हमेंटेड जॉब भी यानी है पॉप अप करेंगी या अगर आप खुद से भी तलाश करना चाहते हैं तो जिस तरह के स्टार्ट वाले स्लाइड पे मैंने देखा हम उससे उस तरह कर सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा ये एक और पोर्टल है पाउंड ग्फ डॉम ये भी गोल्फ कंट्रीज जो है उनके लिए वहां पे जॉब सर्च के करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है यहाँ पे रोज़े में आप अपलोड करते हैं फिर आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो रिलेटेड जॉब्स है वो तलाश करेंगे ये इसका जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ार है वो बेट डॉट कॉम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये आप देख ले ये इसकी रजिस्ट्रेशन या आप अपनी जो वेबसाइट सॉरी uh, जो प्रोफाइल बनाएंगे तो वो इस तरह से होगे पहले आपने बेसिक डिटेल देनी है आ, फिर जो है प्रोफेशनल डिटेल एम्प्लॉयमेंट डिटेल और जो जॉब्स आप प्रेफर आप करना चाहते हैं वो आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो ये जो जॉब प्रेफरेंस जो है इसलिए जरूरी है कि बाद में ये आपको खुद से वो वाली जो आपसे रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आपको सजेस्ट करेगी ठीक है ये लिंक्स में शेयर भी कर देता हूं और सिंपली आप पाउंड गूगल में दे रहे तो सबसे पहले वाला जो साइट होगा वो यही होगा तो आप उसपे क्लिक कर सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा ये प्रोफाइल जब आप बनाते हो तो ये आपको दिखाती है कि यानी आपकी अगर ईमेल एम, वेरिफिकेशन कर देते हो तो आपका एट परसेंट कम्प्लीट हो जाता है मोबाइल वेरिफिकेशन ये इस, इसी तरह होते हैं कि जब आप ईमेल इसमें पुट कर देते हो तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड भेज देते हैं आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो आपका वो वेरीफाई हो जाता है इसी तरह मोबाइल वेरिफिकेशन में आपको एक मैसेज आता है जिसमें कोड होता है तो इसी तरह ही चीजों को वेरीफाई करते हैं ठीक है प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे नेशनलिटी आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो आपका प्रोफाइल जो है वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये कितनी परसेंट कंप्लीट है ये जो फोर परसेंट दिया गया है या एट परसेंट सेवन परसेंट इसका यही मतलब ठीक है जॉब प्रेफरेंस यहाँ पे हम देंगे जिस तरह आईटी हमारा फील्ड है और एजुकेशन और टीचिंग जो है हमारा प्रोफेशन है तो हम यहाँ पे ये यह इंडिकेट करेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो और ये हमें जस्ट इस, इसी से रिलेटेड जॉब जो है वो पॉपअप करें या हमें दिखाए ये एक और वेबसाइट है गोल्फ़ डॉट से सॉरी गोल्फ़ गौल, टेलेंट डॉट के नाम से तो यहाँ पे भी आप गल्फ्स के रिलेटेड जॉब या एक कंट्री से रिलेटेड आप इसमें पुट करेंगे और फिर उसको सर्च करेंगे तो वो आपके लिए रिलेटेड कंट्रीज या जॉब टाइप्स